इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, सारी दुनिया को उल्लू बना रही हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो और मुझे कानून की धमकी दे रही हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मलिक से कह के मेरा नाम उस केस से निकलवा दो। ना निकलवाऊं तो? करना पड़ेगा। और मेरी दूसरी ख्वाहिश भी सुन लो, मेरे साथ दोस्ती पक्की वाली। शट अप। डांटती भी इंग्लिश में हो। मजा आएगा। अब तुम भी मेरी एक बात सुन लो, तुमसे ब्लैकमेल नहीं होने वाली मैं अब, क्योंकि अब मुझे किसी का डर नहीं, सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। ठीक है, भुगतने के लिए तैयार रहो। तैयार हूँ, असूलों के साथ खड़ी हूँ, ना कमजोर पड़ूंगी और ना ही ब्लैकमेल होंगी। कितना बिल हुआ? 150। जरे 200 बाकी के रख ले। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआँ, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कैसे हो बख्तू? जी सर, मैं ठीक हूँ। बख्तू, वो फंक्शन पे जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ ज्यादती भी बहुत हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहूँ। ओके सर, आप प्लीज माफी तो ना मांगे, जुर्म तो नहीं किया था मैंने, लेकिन गलती मेरी जरूर थी, मुझ पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मेरी वजह से आपके मंगनी के फंक्शन में बदमजगी पैदा हुई, मैं माजर चाहता हूँ सर। मोहसिन भाई ने बात की थी मुझसे तुम्हारे बारे में। क्या? अगर तुम्हें अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस करनी थी तो मुझसे कर लेते मोहसिन भाई के बजाय। एतबार नहीं है मुझ पर। ऐसी तो कोई बात नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं कहा मैंने। और अभी क्या किया है तुम्हारी बहन ने? मेरा मतलब है जॉब का। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, वो सर वो पढ़ी है सर, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। मैं वो ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूं। यानी तुम आप भी नाराज हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, आपसे नाराज होने का तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। सर आप जानते हैं वो संजू फंक्शन पे हुआ, अजीब सी सिचुएशन हो गई सर, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी, और सर मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स सबसे अहम है। इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स तो कर नहीं सकता। एक महीने के लिए मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात होंगी जिनकी वजह से मैं चाह रहा था कि तुम ऑफिस संभाल लेते मेरे वापस आने तक, और फिर अम्मी भी यही चाह रही थी, वो भी बहुत अपसेट थी जो उस वक्त फंक्शन पे हुआ। सर मैं उनसे खुद जाके माजरत कर लूंगा,
सब मेरी मजबूरी ना होती तो सारी जिंदगी मैं आपकी खिदमत करता हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, अब अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर क्या कह सकते हैं।